हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल टारगेट पीएन में। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2020 के लिए पॉलिटिकल साइंस संबंधित अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कर पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हम नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं, जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, संघ सरकार का उदाहरण है डैश अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर वन का, वो हो जाएगा ख, चीन, जो कि संघ सरकार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे। वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, मुंबई, जो कि वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। क्वेश्चन नंबर तीन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीन, असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार था डैश जातिवाद, संप्रदायवाद, लिंगाधार या क्षेत्रवाद। तो क्वेश्चन नंबर तीन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घ। इसका सही आंसर हो जाएगा घ, क्षेत्रवाद, जो कि असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार था क्षेत्रवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ। क्वेश्चन नंबर चार देखेंगे। मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण था डैश नस्लवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदाय या वर्गवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चार का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क, यानी कि नस्लवाद, जो कि मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण था नस्लवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा का। क्वेश्चन नंबर पाँच देखेंगे। भारत में सामाजिक विभाजन है डैश जटिल, सरल, ना सरल ना जटिल, घ में उपयुक्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पाँच का वो हो जाएगा क, जटिल। भारत में सामाजिक विभाजन जो है वो बहुत ही जटिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का, इसका राइट आंसर हो जाएगा जटिल। इसका क्वेश्चन नंबर छः देखेंगे। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है डैश उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार, जो कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है, जो कि बिहार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, बिहार। क्वेश्चन नंबर सात देखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है डैश वंशवाद का समर्थन, नस्लवाद का समर्थन, संप्रदायवाद का समर्थन या धर्म, वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध। तो क्वेश्चन नंबर सात का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घ, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि धर्म, वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध, जो कि संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आठ, नस्ल का आधार है डैश जीवशास्त्र, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक। तो क्वेश्चन नंबर आठ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क, जीवशास्त्र। नस्ल का आधार क्या है? तो जीवशास्त्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर नौ देखेंगे। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है डैश धर्म, भाषा, मानवता या जाति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नौ का वो हो जाएगा ग, यानी कि मानवता इसका सही आंसर हो जाएगा, मानवता इसका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है तो क्या नहीं है? तो मानवता नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर नौ का आंसर है ग। क्वेश्चन नंबर दस देखेंगे। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल। तो क्वेश्चन नंबर दस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग, चंडीगढ़, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, टॉम स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस, और घ में है जेड गुड्डी। तो क्वेश्चन नंबर ग्यारह का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घ, जेडी गुड्डी, जो कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुड्डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें।
और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है डैश स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, खा समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, गम है बालक और बालिकाएं की संख्या का अनुपात, और घम है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान अधिकार ना मिलना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो हो जाएगा खा, इसका खा हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, जो कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क्या, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तेरह भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था है, लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाएं। तो भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्थाएं में, जो कि भारत में निहित है। पंचायती राज संस्थाएं भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था स्थित है, तो पंचायती राज संस्थाएं में आरक्षण स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 सांप्रदायिक राजनीतिक के अर्थ संबंधित निम्न कथनों पर गौर करें। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, कम एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, किसी अघम है किसी धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधित निम्न कथनों पर गौर करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घा यानी कि उपयुक्त सभी। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जाने जाते हैं डैश गरीब भैया, बिहारी बाबू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा का गरीब भैया। मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जाने जाते हैं तो गरीब भैया के से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का। क्वेश्चन नंबर 17 भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1945, 1947, 1946, 1948। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1946, जो कि भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था तो 1946 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946। क्वेश्चन नंबर 18 वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई, 1957, 1956 ईस्वी, 1958 ईस्वी, 1955 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1958 ईस्वी। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई, तो 1958 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 केंद्र एवं राज्यों के क्षेत्राधिकार संबंधी कितनी सूचियां हैं, 1, 2, 3 या 4। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। बिहारी पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है डैश 40%, 55% या 50% या 60%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50%। बिहारी पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था करती है कितना, तो 50% करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो हो जाएगा 50%, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का।
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।